एक तरफ जहां आर्थिक वृद्धि में संरचनात्मक गिरावट दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत का राजकोषीय संकट भी गहराता जा रहा है। राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में ढील देने के बावजूद सरकार को खर्च के मामले में अपने हाथ सिकोड़ने पर विवश होना पड़ा है। 2019-2020 के दौरान कुल खर्चा बजट में निर्धारित 27.86 लाख से 1 लाख करोड़ रुपए कम है। ये किसी को मालूम नहीं है कि किन योजनाओं के खर्चों पर कैंची चली है या उनके फंड खर्च ना होने का मामला सामने आया है। ये एक अभूतपूर्व हालत है जिसमें सरकार को फंड जुटाने के लिए अन्य गैर परंपरागत तरीके की ओर देखने पर मजबूर किया जा रहा है, ताकि विकास को रफ्तार देने के लिए अतिरिक्त राजस्व जमा किया जा सके और पूंजीगत खर्चे में बढ़ोतरी की जा सके। इस बेचैनी के कारण ही सरकार एशिया की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी में से एक भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसकी कुल परिसंपत्ति 36 लाख करोड़ रुपए है, कि शेयर बेचने जैसी राजनीति के रूप में दिखाई दे रही है और एक तरह से गलत कदम उठाती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि कर राजस्व संकल्प की रफ्तार सुस्त पड़ गई है, जिसके लिए वस्तुएं सेवा कर में आशा से कम वृद्धि प्रमुख तौर पर जिम्मेदार है, इसलिए केंद्र सरकार जल्दी से पैसा दिलाने वाली परिसंपत्तियों को बेच डालने की अस्थायी नीति पर चल पड़ी है। LIC में अपनी हिस्सेदारी को बेचना इस नीति की एक हिस्सा है और इनका एक गलत कदम है। अब एक तरह से फायदा LIC को हो रहा था, लेकिन मुनाफा हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये कदम गलत है कि वो शेयर को बेचती हुई नजर आ रही है, यानी कि LIC का एक शेयर बेचा जाएगा। जो ये कदम निर्मला सीतारमण के द्वारा उठाया गया है और बजट के दौरान पेश किया गया है, अभी ये कदम तो गलत है, लेकिन अगर ये कदम उठता है तो क्या कुछ भूचाल आता है ये देखना अभी बाकी है। लेकिन अभी काफी कर्मचारियों को और ग्राहकों को इससे खासा परेशानी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट 9 टेक से नाजमन की रिपोर्ट।